हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं SOL के एग्जामिनेशन फॉर्म्स के बारे में। अगर अभी तक आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा तो आप SOL के एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। ये सभी 5 अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए है, चाहे आप BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, चाहे BCom कर रहे हैं, चाहे ऑनर्स के स्टूडेंट है, यानी कि ये सबके लिए लागू रहने वाला है। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और चैनल पे नए हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि यहाँ पर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोस के टाइम टू टाइम। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से SOL ने ऑफिशियली ये नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो आज इस पर हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है, लेकिन करना क्या होगा आपको, बस ये ध्यान रखें कि आप सबके पास आपका SOL का ID कार्ड हो ताकि आप उसको लॉगिन करके चेक कर पाएं कि आप सबकी जो कहते हैं फीस है और SOL का एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लैपटॉप को ओपन कर लिया है ताकि आपको भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शो होता रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये है वो ऑफिशियल नोटिस आपका SOL की तरफ से, जो कि ठीक 2 दिन पहले अनाउंस किया गया है SOL ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे sol.du.ac.in पे जाके आप इस नोटिस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस में क्या लिखा हुआ ऐसा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप कहते हैं एग्जाम्स दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि वही लिखा हुआ है कि जो वायरस था कोरोना वायरस, उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन है और सभी चीज़ें बंद हो रखी हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है कि अब तक 95% स्टूडेंट्स SOL का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं सभी 5 अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, चाहे आप एनुअल मोड के हैं, चाहे आप सेमेस्टर मोड के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने अब तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आप 4 मई 2020 तक भर सकते हैं। SOL का पोर्टल ओपन रहेगा ऑनलाइन और आप यहां पर बिना लेट फीस के भी इसको सबमिट कर सकते हैं अगर आप 4 मई तक SOL पोर्टल पे जाके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आपने फिलअप नहीं किया, जो बच्चे फिलअप कर चुके हैं उनको दोबारा फिलअप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे कहते काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर हमने अब तक कहते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया या कुछ प्रॉब्लम थी उनके घर में जिस वजह से वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप सबके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप सब अब जाके SOL का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके एग्जाम्स दे पाएंगे, यानी कि आपका साल खराब नहीं होने वाला और ना ही आपकी कोई लेट फीस लगेगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में कि कोई भी ऑफिशियल, जैसे मान लीजिए कोई नोटिस होता है तो SOL अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करेगा, ना कि कहते हैं DU की वेबसाइट पर। लेट सपोज जैसे कि ये फॉर्म भरना है तो आप इस फॉर्म को SOL की वेबसाइट पे भरेंगे, ना कि DU की वेबसाइट पे। ठीक है, क्योंकि DU की वेबसाइट डिफरेंट है और SOL की वेबसाइट डिफरेंट है, एज सिंपल एज दैट। एंड थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि वही जो आपके कहते हैं प्री एग्जामिनेशन की जो एक्टिविटीज होती हैं वो ऑलरेडी कहते हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, ये कुछ नहीं है खास। मेन है फोर्थ पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि SOL ने रिसेंटली टाइप किया है माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ। जो बच्चे नहीं जानते उनको बता दूं कि SOL में अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सभी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए और सभी ईयर्स के लिए। भले आपकी बैक आ रखी है, भले आपका कहते हैं कुछ भी हो रखा है, भले आपने इस साल एडमिशन लिया है, तब भी आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लासेस ले सकते हैं। करना क्या होगा आपको, SOL का डैशबोर्ड लॉग इन करना होगा आपके SOL रोल नंबर से और बार कोड से। वहां पर आपको ऐसा कुछ ID और पासवर्ड शो हो जाएगा जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन में जाके फिल करेंगे और वहां पर जाके कुछ दिन में बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जब सभी बच्चे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 को लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको कहते हैं गूगल प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी। और जिन बच्चों का अब तक SOL का ID और पासवर्ड नहीं आया है वो लोग वेट करें, डोंट वरी। बहुत से बच्चे SOL में तो टाइम लगता है। आपको बता दूं एक और चीज़ कि ये जो फॉर्म है एग्जामिनेशन फॉर्म, ये कोई अलग सा फॉर्म नहीं है SOL का। ठीक है,
इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लेट सपोज जब हम कहते हैं एडमिशन लेते हैं तो हम एक फॉर्म फिलअप करते हैं एग्जामिनेशन का कि हमें भाई एडमिशन लेना है, ये वही फॉर्म है, कोई और डिफरेंट फॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कहते हैं एडमिशन ले लिया था 2019 में या अभी रिसेंटली और आपको दोबारा से फॉर्म फिलअप करना है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो किसी प्रॉब्लम की वजह से कहते हैं फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, ये फॉर्म सिर्फ वही बच्चे फिल कर सकते हैं 4 मई तक विदाउट लेट फीस, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे सेमेस्टर के हैं उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया था सेमेस्टर 1 का 2019 में, और अभी आपने कुछ दिन पहले ही कहते हैं सेमेस्टर 2 की फीस भी पे कर दी, जो भी फीस थी लाइक 500 से 600 रुपये फीस थी वो आपने ऑलरेडी पे कर दी है, ठीक है। और जो बच्चे कहते हैं एनुअल मोड के थे उन्होंने भी कहते हैं रिसेंटली कहते हैं पीछे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया था, और जिन बच्चों की बैक आई थी किसी की 1 में किसी की 2 में उन्होंने भी अपनी कहते हैं पेमेंट करके वो फॉर्म की फीस पे कर दी थी। एक और चीज, अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, अगर अभी कुछ भी कहते हैं ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, अगर होते हैं तो सबके होंगे, भले आपकी बैक आ रखी हो, भले आपका कहते हैं सेमेस्टर हो, भले आपका एनुअल मोड हो, ये चीज सब पर लागू होने वाली है अगर एग्जाम्स होते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन होंगे, अभी सिर्फ मेन फोकस इनका ऑनलाइन क्लासेस पे हो रहा है। सो इस समय जरूरी क्या है कि आप सभी लोग अपनी स्टडीज पे फोकस करें और प्रॉपर तरीके से चेक करते रहें क्या आपका SOL डैशबोर्ड पे ID और पासवर्ड जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो चुका है तो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पे जाके उसको लॉगिन करके बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी, अपने घर में बैठ के आप कहते हैं क्लासेस ले पाएंगे। बाकी साथ साथ इस चैनल पे सभी वीडियोस अपलोड है BA प्रोग्राम की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, और जो बच्चे सेमेस्टर के हैं उनके लिए मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, और साथ ही साथ नोट्स भी अवेलेबल है इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप जाके यहाँ पे नोट्स ले सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।